नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ डिपेंड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हाउस टैक्स के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आपका घर किसी भी शहरी क्षेत्र में है और आप इसका सालाना हाउस टैक्स जमा करते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको नगर निगम जाने की जरूरत पड़ती होगी या फिर आप किसी भी CSC सेंटर पर जाकर अपना हाउस टैक्स जमा करते होंगे। पर दोस्तों, वहां पर आपको आपके हाउस टैक्स के अलावा भी कुछ पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना ही नगर निगम जाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी भी CSC सेंटर पर जाने की जरूरत पड़ेगी। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन की मदद से अपना हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं और इसके बाद में आप इसकी स्लिप भी निकाल सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको अपना हाउस टैक्स जमा करना है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कॉन्टेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद में आपको सर्च बार में सर्च करना है हाउस टैक्स। हाउस टैक्स लिखने के बाद में दोस्तों, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देने के बाद दोस्तों, आपको एंटर कर देना है। सर्च करने के बाद में दोस्तों, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट की जो नगर निगम की ऑफिशियल वेबसाइट है तो वो यहाँ पर सबसे ऊपर शो हो जाएगी। तो सिंपली आपको उसी पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, आपके डिस्ट्रिक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी आप उस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आगरा नगर निगम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। अब दोस्तों, आपको अपना हाउस टैक्स जमा करने के लिए अगर आपके पास प्रॉपर्टी नंबर है तो बाई प्रॉपर्टी नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी नंबर डालकर सबमिट पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स ओपन कर सकते हैं। या फिर आपके पास रिसिप्ट नंबर है तो यहाँ पर आप कंप्यूटराइज्ड या फिर मैनुअल रिसिप्ट नंबर डालकर सर्च कर सकते हैं। और या फिर आप बाई नेम से सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बाई नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी पता नहीं है, केवल आपको मकान नंबर पता है, तो यहाँ पर दोस्तों आप सर्च प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। सर्च प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट जोन, तो यहाँ पर आपको जोन सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना छत्ता जोन सिलेक्ट कर लेना हूँ। जोन सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको कॉरपोरेट वार्ड, यहाँ पर आपको वार्ड सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी वार्ड में आपका हाउस आता है, जिस भी वार्ड में आपका घर है, तो यहाँ पर आपको अपना वार्ड सिलेक्ट कर लेना है। वार्ड सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों, आपको अपना मोहल्ला सिलेक्ट कर लेना है। मोहल्ला सिलेक्ट कर देने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट हाउस नंबर, यहाँ पर दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने मकान नंबर सिलेक्ट कर लेना है। मकान नंबर सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों, आपकी रेजिडेंसी प्रॉपर्टी डिटेल्स यहाँ पर खुलकर आ जाएगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी हाउस ID, जो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी नंबर अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी ID दिखा देगा, असेसमेंट डेट दिखा देगा, कैलकुलेशन डेट दिखा देगा, फॉर्म नंबर दिखा देगा, टैक्स वार्ड नेम दिखा देगा, कॉरपोरेट वार्ड नंबर एंड नेम दिखा देगा, ब्लॉक नेम, मोहल्ला नेम, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपकी खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों, जिसके नाम से मकान है वो यहाँ पर ऑनर का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी शो हो जाएगा, और कितने एरिया में आपका मकान बना हुआ है यहाँ पर सारी चीज़ें शो हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों, हम बात करते हैं कि आपका जो एक साल का जो टैक्स है या फिर आपने पिछले कई सालों से नहीं भरा है तो जो यहाँ पर आपका टोटल टैक्स ड्यू है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट टैक्स जो है 244 रुपये है, और एरियर है जो 662 रुपये है, जो ब्याज लगी हुई है इन पर वो 154 रुपये ब्याज लगी हुई है, और यहाँ पर 10% का डिस्काउंट काटते हैं तो 24 रुपये डिस्काउंट यहाँ पर काटने के बाद में जो टोटल ड्यू है वो 1036 रुपये हमें यहाँ पर पे करना है। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप सारी डिटेल्स, पेमेंट की हिस्ट्री डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। जो आपने पिछला पेमेंट किया हुआ है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो अब मैं दोस्तों यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपको अपने हाउस टैक्स का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल टैक्स ड्यू 1036 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1036 रुपये पेमेंट करना है। इसके लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन, यहाँ पर नाउ पेमेंट योर टैक्स थ्रू भीम। अगर आप भीम UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू डाउनलोड भीम फॉर एंड्रॉयड। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन से इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको भीम UPI एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पे यूजिंग बैंक गेटवे। अगर आप किसी बैंक के थ्रू यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या फिर पेटीएम बैंक, तो यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं।
ऑनलाइन भुगतान करने के लिए धन्यवाद। यदि आपके अकाउंट से धनराशि कट गई है और किसी कारणवश पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाई है और आपको रसीद प्राप्त नहीं हुई है तो दोबारा पेमेंट ना करें। अपडेशन के लिए 72 कार्यालय घंटे की प्रतीक्षा करें। 72 घंटे के बाद यदि आपका पेमेंट अपडेट नहीं होता है तो अपना प्रॉपर्टी आईडी, हाउस नंबर, ट्रांजैक्शन डिटेल्स इस मेल आईडी पर भेज सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप मेल आईडी देख सकते हैं। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है और आपको रसीद भी प्राप्त नहीं होती है और साइट पर भी अपडेट नहीं होता है तो आपको अपना प्रॉपर्टी आईडी, हाउस नंबर और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स जो है इस मेल आईडी पर आपको मेल कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर मैं पेटीएम सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेटीएम सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं GIS प्रॉपर्टी नंबर, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर दिखा देगा। प्रॉपर्टी नंबर दिखाने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर नाम दिखा देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस फिल कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल कर देनी है। एड्रेस फिल कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो पेमेंट होगा वो पेमेंट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आगरा नगर निगम ऑर्डर, यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी दिखा देगा और जो यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट पे करना है वो आपको 1036 रुपये टोटल पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप पेटीएम से पे करते हैं तो यहाँ पर आपको पेटीएम मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, और अगर आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं UPI पर क्लिक करके UPI से पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैंने अपना UPI से पेमेंट कर दिया है। UPI से पेमेंट कर लेने के बाद दोस्तों आपके सामने एक रिसिप्ट खोलकर आ जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं नगर निगम आगरा हाउस टैक्स रिसिप्ट। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी आईडी दिखा देगा, रिसिप्ट नंबर दिखा देगा, डेट दिखा देगा और यहाँ पर आपका हाउस नंबर भी दिखा देगा और यहाँ पर आपका वार्ड नंबर के साथ साथ आपकी सारी डिटेल्स दिखा देगा। आपने जो टोटल अमाउंट पे किया है यहाँ पर टोटल अमाउंट भी आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको इस रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड PDF, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड हो चुकी है। और दोस्तों अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पर क्लिक करके आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों आपको फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको होम पेज पर आ जाना है। बैक आने के बाद में दोस्तों आप पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करके अपनी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री चेक करने के लिए दोस्तों आपको पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से वही डिटेल्स डाल देनी है, जो कि यहाँ पर आपको जॉन सेलेक्ट करना है। जॉन सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वार्ड सेलेक्ट कर लेना है। वार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको मोहल्ला सेलेक्ट करना है। मोहल्ला सेलेक्ट कर देने के बाद दोस्तों आपको हाउस नंबर सेलेक्ट कर लेना है। हाउस नंबर सेलेक्ट कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट हिस्ट्री प्रॉपर्टी नंबर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डिपॉजिट डेट, यहाँ पर आज की डेट दिखा देगा जो कि 6/5/2022 आज मैंने यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट किया है। यहाँ पर रिसिप्ट का नंबर भी आ जाएगा और जो टोटल अमाउंट मैंने यहाँ पर पे किया हुआ है 1036 रुपए वो भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप बिना नगर निगम जाए, बिना CSC सेंटर पर जाए अपना हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और दोस्तों अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।